सामने आप देख सकते हैं जन्मभूमि पथ मार्ग है, यहाँ से ही लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और जस्ट इसके बगल ही ये रूम बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए आपको नॉन एसी रूम दिखाते हैं। ये देखिए, ये 11 नंबर है रूम, यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिला। मतलब तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एसी रूम, और ऐसे ही बने रहे ब्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू ब्लॉग अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक बेहतरीन से ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आपको स्टे करने के लिए एक ऐसा प्लेस दिखाने वाले हैं जो कि राम मंदिर के जस्ट बगल है और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है। मतलब आप इसके छत पे चढ़ने के बाद राम मंदिर का भी दर्शन कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके का रूम है और क्या क्या फैकल्टीज़ होने वाली है, लोकेशन क्या होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये अमावा राम मंदिर है, और इधर जब मैं अपने आप को घुमा मतलब पीछे रोटेट करता हूँ तो पीछे आपको राम मंदिर देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सामने आप देख सकते हैं जन्मभूमि पथ मार्ग है, यहाँ से ही लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और जस्ट इसके बगल ही ये रूम बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो स्टे करने का एरिया है, इसका हॉल आपको देखने को मिलेगा और दोनों साइड आपको रूम देखने को मिलेगा, इधर भी और इधर भी, और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस होने वाली है। चलिए आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एसी रूम, और ऐसे ही बने रहे ब्लॉग में। ये 16 नंबर है, अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं भाई। ये देखिए डबल बेड आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है IFAB का। लेट बाथ ज्वाइनिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं ज्वाइन है आपको देखने को मिलेगा, और एक ब्लैंकेट, दो पिलो और डबल बेड। मतलब तीन चार लोग आ रहे हो तो आराम से इजीली यहाँ पर स्टे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर हैंगर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर अपना फ़ैन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन भी चला दिए भाई, एसी भी चल गई। और सबसे ख़ास बात तो ये होती है ना, यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि राम मंदिर के एकदम नियर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाथरूम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल वेस्टर्न पैटर्न में बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर वास बेस है, मार्बल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको लेट और बात दिखा दिए। यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है वेंटिलेशन के लिए, रोशनदान जिसको बोलते हैं ऊपर से, मतलब नेचुरली हवा भी उसका। तो भैया इससे ज़्यादा और क्या लेना चाहिए आदमी को, मतलब राम मंदिर के इतना नियर में, मतलब इसके सबसे ऊपरी पॉइंट पे चले जाओगे ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ से आपको राम मंदिर का दर्शन हो जाएगा। प्लस अमावा राम मंदिर है, इसके बगल अमावा राम मंदिर है, वहाँ पर भोजन भी चलता है, इसका ब्लॉग मैंने अपलोड करके रखा, उसको भी देख लीजिए। प्लस यहाँ पर जाकर के आप भोजन भी कर सकते हैं। आइए आपको नॉन एसी रूम दिखाते हैं, उसमें क्या फैकल्टीज़ है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए आपको नॉन एसी रूम दिखाते हैं। ये देखिए ये 11 नंबर है रूम, यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिला। मतलब रूम का जो साइज़ है वो दोनों सेम है, बस इसमें एसी नहीं लगा हुआ है। और प्राइस क्या होने वाली है वो हम भी लास्ट में बताएंगे। चलिए इसमें भी आपको लाइट बात दिखाते हैं कि कैसे पैटर्न में दिया गया है। यहाँ पर भी आपको वही वेस्टर्न पैटर्न देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो वास बेस यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए रोशनदान वगैरह लगा हुआ है। तो सब रूमों का जो पैटर्न है सेम है, बस एसी और नॉन एसी आपको देखने को मिलेगा। प्लस में आपको एक छोटा सा कूलर भी दिया जाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी गर्मियों का दिन आ रहा है, उसके लिहाजे से भाई आपके लिए ये रूम वगैरह बहुत ही सूटेबल पड़ेगा। तो चलिए एक रूम और आपको दिखाते हैं, ऐसे ही बने रहे कंटिन्यूस ब्लॉग में।